अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मर्सनरी सुमरो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 2 ऑफ 6th सेमेस्टर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिज्म, इट्स बिहेवियर, and after that we have studied the history of a magnet, what is it, what's a magnet is, and it's 3 types. One is bar magnet, horseshoe magnet, and needle type magnet. And after that we have studied the magnetization process, it's 3 types: single touch method, double touch method, and electrical method. And after that we have studied about the demagnetization process and its various factors. Today we will discuss about the electromagnetism. This is another very important topic in the syllabus in series of 6th semester. Again, assalamu alaikum to all of you. Kal लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, मैग्नेट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं, और मैग्नेट के कितने टाइप्स हमें मिल रहे होते हैं। और हमने उसके बाद जो है ना स्टडी की कि अगर कोई एलिमेंट या कोई भी मटेरियल जो इटसेल्फ मैग्नेट नहीं हो तो फिर क्या हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी उसमें हम कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ लाएं या कुछ ऐसा मैकेनिज्म करें कि वो कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए जो है ना मैग्नेट की तरह बिहेव कराए, जिसको जो है ना हमने मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहा था, जिसके हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे: सिंगल टच मैथड, डबल टच मैथड, एंड इलेक्ट्रिकल मैथड। और उसके बारे में, उसके बाद में जो है ना हमने डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट को या उसके जो है ना इफ़ेक्ट्स को जो है ना ख़त्म करना चाह रहे होते हैं तो ऐसी प्रोसेस को जो है ना हमने डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कहा था। और उनके बाद जो है ना मैग्नेट से रिलेटेड मुख्तलिफ और दीगर बातें की थी। आज जो है ना हम स्टडी कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले मैं आपको जो है ना इसके चंद बेसिक इम्पैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। वो ये कि मैंने आपको जो है ना फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और अब इस लेक्चर नंबर 3 में भी आपको जो है ना बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली ब्रांच है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली ब्रांच को जो है ना हमने कुछ इस तरह से स्टडी करना है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओल्ड टाइम में ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये जो है ना दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो सेपरेट सब्जेक्ट हैं, दो अलहदा सब्जेक्ट्स हैं, यानी मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो है ना कंसेप्ट था ओल्ड टाइम में, पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन हैंस ओरस्टेड, जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सडनली उसने डिटेक्ट किया कि जब भी मैं किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता हूँ तो उसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे यानी मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जो है ना एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था वो जो है ना डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था, जो कि मैंने आपको जो है ना फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि जब भी किसी वायर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 1 5th सेमेस्टर में जो है ना हमने स्टडी की थी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, पर यहाँ पे ओरस्टेड ने बताया कि अगर कोई भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं चार्जेस इन मोशन को पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमें यह साबित हो रहा है कि अगर कोई भी चार्ज मोशन में होगी तो वो जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, यानी चार्जेस इन मोशन दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट
there should be flow from a certain wire, then it produces the magnetic field around it. तो यह एक्सपेरिमेंट था और स्टेट का जिसने हमें यह बताया कि इन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू ए सर्टेन वायर इट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमें मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखी है कि इट मींस हेयर चार्जेस आर इन मोशन क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड. तो चार्जेस मोशन में होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी. अच्छा, तो ये एरिस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर किसी वायर में से करंट का फ्लो हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हो रहा है कि जब आई होगा तो बी प्रोड्यूस होगा. याद रखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को जो है ना आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर हम आई देंगे यानी करंट तो हमें बी मिलेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड. और ये बात जो है ना एरिस्टेट ने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम माइकल फ्राइडे था उससे ये बात कही कि भाई मैंने हम ये देखा है कि जब भी मैं किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा हूँ तो उसके अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई भी मैग्नेटिक कंपास रख लेते हैं तो वो जो है ना उसको डिफ्रैक्ट करा देता है. हालांकि ये जो मैग्नेटिक कंपास है एक वॉच टाइप स्ट्रक्चर होती है, और वो मैग्नेटिक कंपास जो है ना तब डिफ्लेक्ट होता है जब भी उसके सामने परमानेंट मैग्नेट रखें. पर यहाँ पे एक और जो है ना पॉइंट आ रही है कि जब हम किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी मैग्नेटिक कंपास को रख लेंगे तो वो जो है ना डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इसका मकसद ये कि इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स जो है ना उससे मैग्नेटिक कंपास में पड़ रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो इस वजह से इसने कहा कि करंट का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, ये बात कही एरिस्टेट ने कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. अब जब ये बात माइकल फ्राडे को एरिस्टेट ने बताई तो माइकल फ्राडे ने इसके बाद जो है ना इस पर सोचना शुरू कर दिया कि एरिस्टेट ने कहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. और फ्राडे ने सोचा कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी सही होगा, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दें तो इलेक्ट्रिक करंट मिले. क्योंकि एरिस्टेट ने कहा कि जब हम आय देते हैं तो बी मिलता है, अब ये कह रहा है कि जब हम बी देंगे तो आय मिले. इस पे जो है ना उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसको कहते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो जो है ना हम आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल ये फ्राडे की जो है ना एक कंसेप्ट था कि इसका रिवर्स ट्रू होगा या नहीं ये जो है ना हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे. एनीवे मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था कि एरिस्टेट के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ना साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये अलग-अलग अलग-अलग ब्रांचेस नहीं हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है. इसलिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो एक न्यू ब्रांच जन्म लेती है, एक न्यू ब्रांच जो है ना क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिज्म. दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आगाज़ सबसे पहले जो है ना एरिस्टेट ने किया था, तो इसको जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फादर भी कहा जाता है, और माइकल फ्राडे को भी जो है ना इसका फादर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. और इनके अलावा दीगर और भी साइंटिस्ट हैं जैसे कि एम्पियर्स लॉ है, मैक्सवेल्स इक्वेशन है, और भी जो है ना टॉपिक्स जो हम आगे स्टडी कर लेंगे. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब सबसे पहले ये थोड़ा सा स्टडी कर लें कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. देखिए ये जो लफ्ज़ है इंडक्शन, ये इंडक्शन क्या होता है?
सबसे पहले इस इंडक्शन को समझ लेते हैं, बाद में जो है ना हम स्टडी कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन बेसिकली हमारे पास जो है ना एक ऐसी टर्म है जिसमें हम ये स्टडी कर लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही होती है वो विदाउट कंटेक्ट हो तो ऐसे इफ़ेक्ट्स को जो है ना हम कहते हैं इंडक्शन। दीज आर नोन एज इंडक्शन फोर्सेस। सपोज़ करें कि अगर हम कोई भी बॉडी जो है ना अर्थ से लेके किसी हाइट पे चले जाएं और किसी हाइट से जो है ना किसी बॉल को हम यहाँ पे ड्रॉप कर लें नीचे, तो अर्थ जो है ना बॉल से कंटेक्ट में नहीं है, पर फिर भी जो है ना एक फील्ड लाइंस जो कि इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहते हैं, तो वो बॉल उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे फोर्सेस जो विदाउट कंटेक्ट हों उसको जो है ना हम इंडक्शन फोर्सेस कहते हैं, और इंडक्शन फोर्सेस हमेशा विदाउट कंटेक्ट ही होते हैं, और जो भी फील्ड फोर्सेस होते हैं वो हमेशा विदाउट कंटेक्ट होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस एक कहीं डिस्टेंस पे जो है ना एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही होती है, जैसे कि माइकल फ्राडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था, हमने पढ़ा था फिफ्थ सेमेस्टर में। और इसके बाद जो है ना मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ये भी जो है ना इंडक्शन फोर्स है, और इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है, ये भी इंडक्शन फोर्सेज है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंडक्शन फोर्सेज हैं क्योंकि ये विदाउट कंटेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं ना कि अ रीजन आर अ बाउंड्री अराउंड विच चार्जेस में एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। यहाँ पे भी सेम ही किस्सा है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम मैग्नेट्स परमानेंट रखते हैं, कोई बार मैग्नेट रख लें या हार्स शू मैग्नेट रख लें या यू शेप्ड मैग्नेट रख लें, तो वहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस स्पेस में अगर कोई भी मूविंग चार्ज आ जाती है तो उसमें जो है ना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको उस फील्ड को जो है ना हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी स्टेशनरी चार्ज रख लें, स्टेशनरी चार्ज उसे कहते हैं कि जो चार्ज रेस्ट पे हो, तो याद करें स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होता है। चार्जेस एट रेस्ट डू नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। व्हाई चार्जेस में डू नॉट मे एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, क्यों? क्योंकि ऑरिस्टर ने कहा है कि जब चार्जेस मोशन में होंगी तो जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि चार्जेस जब मोशन में होंगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपने इफ़ेक्ट्स शो कर रही होगी। अगर चार्ज रेस्ट पे होगी तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात आप अपने जहन में रख लें कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो रेस्ट चार्ज यानी स्टेशनरी चार्ज पे क्रिएट नहीं होता, वहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होता है। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंटली ये डिटेक्ट किया है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को जो है ना हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने एक्सपेरिमेंटली ये डिटेक्ट किया कि अगर हम चार्ज ज़्यादा लेते हैं, सपोज़ करें 2 कूलम चार्ज है या 3 कूलम चार्ज है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वहाँ पे जो है ना फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, और अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा उस चार्ज पे तो ऑब्वियसली इस पार्टिकल चार्ज की जो है ना वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो ये फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी पे भी है। और तीसरी पॉइंट जो है ना ये भी देखी गई कि अगर हम मैग्नेट्स बहुत ज़्यादा लाते हैं, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो है ना फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। सपोज़ करेंगे हम छोटे मैग्नेट्स ले आते हैं जो के बहुत कम हो, या बहुत जो है ना स्मॉल मैग्नेट्स हो, तो उसमें ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स कम होगी, और अगर हम बड़े मैग्नेट्स ले आते हैं तो वहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फोर्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो बी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी को, और क्यू चार्ज को। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है ना ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही है। क्यों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन? हमने
जो है ना इसका डायरेक्शन डिटेक्ट करना है वो जो है ना मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये बात जहन में रख लें कि जो भी फील्ड होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो जो है ना सब वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, उनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अच्छा, ये जो तीनों इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखी हुई हैं कि एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग चार्ज, एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह से जो है ना हम लिख सकते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू वी क्रॉस बी। अब हमने वी और बी को क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों वैक्टर्स हैं, और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट में वेक्टर दे रहा है, तो इट मींस ये वेक्टर प्रोडक्ट को ओबे कर रहा है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये एक फार्मूला आप जहन में रख लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वहाँ पर जो है ना फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, वो था स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स का फार्मूला। यहाँ पे मूविंग चार्ज पे फोर्स का फार्मूला है एफ़ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लें तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में, या ऐसे कहें कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ है साइन थीटा वाला फैक्टर लेती है। यहाँ पर अगर हम वी क्रॉस पी को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ़ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली ये फार्मूला हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे जो है ना बी का मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना फार्मूला डिटेक्ट करना चाहें तो ये वी बी साइन थीटा मल्टीप्लाई दूसरी साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना मैंने बी लिखा हुआ है, ये इरेज कर लीजिएगा, ये जो बी है ये इरेज कर लीजिएगा, मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो है ना मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर ली है। यहाँ पर बी अगर यहाँ पे साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, ये बी नहीं आएगा, बी मेरी मिस्टेक है, क्योंकि बी तो यहाँ पे आ गया ना इस वजह से। अच्छा, तो अगर हम इसके यूनिट्स को देख लें तो के इसके यूनिट्स क्या होंगे। अब साइन थीटा जो है ना, यहाँ पे अगर वी और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो ओबियसली मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन में अगर हम 90 डिग्री पुट कर लें तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो मैग्नेटिक फोर्स इज़ मैक्सिमम। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, और एक चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये जो है कूलम्ब इंटू मीटर पर सेकंड, या न्यूटन अपान में कूलम्ब इंटू मीटर पर सेकंड, इस कूलम्ब पर सेकंड को, ये जो कूलम्ब पर सेकंड आ रहा है हमारे पास, इसको कहते हैं करंट, जो कि एम्पियर है। तो ये हो गया न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। ये जो कूलम्ब अपान में सेकंड है ना, इस ये रिप्रेजेंट करा है क्यू अपान टी को, विच इज़ इक्वल टू आई। सो आई इज़ इक्वल टू क्यू अपान टी, ये जो है ना करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये आ गया हमारे पास। अच्छा, तो ये हो गया न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें न्यूटन अपान कूलम्ब इंटू मीटर पर सेकंड, ये दोनों सेम ही हैं। तो ये जो पूरा फैक्टर है ये बराबर हो जाता है टेस्ला के। ठीक है, न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर, ये बराबर हो जाता है टेस्ला के। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट है टेस्ला, जो कि 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन अपान में एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, जब भी किसी भी चार्ज पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, और किसी भी 1 कूलम चार्ज पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, और उसमें जो है ना स्पीड 1 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही हो, तो वहाँ उस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं 1 टेस्ला। सो फिलहाल मैं यहाँ पे फाइनलाइज कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लेक्चर नंबर 4 में इसके मज़ीद डिस्कस करेंगे कि 1 टेस्ला को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फ़िलहाल मैंने यही डिफ़ाइन किया कि 1 टेस्ला जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, जो कि 1 न्यूटन फोर्स लगा रही होती है किसी भी 1 कूलम चार्ज पे, जिसमें जो है ना 1 मीटर पर सेकंड स्पीड हो रही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट होता है टेस्ला। ये ऊपर जो है ना ये इसके फार्मूलाज हैं, और इनके अलावा जो है ना हम ये सीखेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि हर वेक्टर प्रोडक्ट राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल को जो है ना ओबे कर रहा होता है, तो ये कैसे जो है ना डायरेक्शन को डिटेक्ट करती है, ये भी जो है ना हम स्टडी कर लेंगे, और इनके अलावा बकाया टॉपिक्स जो है ना हम बाद में स्टडी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है ना कुछ सिंपल टॉपिक्स, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट,
और स्टेट एक्सपेरिमेंट जो है ना हमने ये सीखा, और उसके बाद फ्रॉडेज एक्सपेरिमेंट सीखा कि और स्टेट के बाद फ्राडे ने ये ला दिया, और उसके बाद टॉपिक सीखा फोर्सेज आर अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने ये सीखा कि स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता, मूविंग चार्ज पे ही जो है ना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसमें हमने ये इक्वेशन स्टडी कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से बकाया जो है ना टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में आ जाते हैं। फ़िलहाल थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।